गुजरात में राज्य सरकार ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई है, ये कहते हुए कि सरकार अभी बाढ़ के राहत कार्य में व्यस्त है। आपको बताते हैं गुजरात में बाढ़ के बाद राहत कार्य की स्थिति। गुजरात के 33 जिलों में से 14 जिलों में बाढ़ आई। करीब 224 लोगों की और हजार मवेशियों की मौत हुई। 753 गांव की बिजली काट दी गई। 370 सड़कें बाढ़ में डूब गईं, जिनका नुकसान करीब 36 करोड़ अनुमानित है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे को नुकसान पहुंचा और खरीफ की पूरी फसल बर्बाद हो गई। एनडीआरएफ की अलग अलग राज्यों से 10 टीमें और राज्य से 33 टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। इतनी मात्रा में एनडीआरएफ टीमों की जरूरत गुजरात में पहले कभी नहीं पड़ी। एनडीआरएफ, आईएएफ, बीएसएफ, एसडीआरएफ ने 17,000 लोगों को बचाया। 1,13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और अभी तक सभी को चिकित्सीय सहायता पहुंचाई जा रही है। 2,00,000 से ज्यादा खाने के पैकेट्स बांटे गए और करीब 90 राहत शिविर लगाए गए। 1,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को अलग अलग जिलों में भेजा गया है ताकि किसी भी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की राहत राशि दी और हर जख्मी व्यक्ति को 50,000 रुपए और मृतकों के रिश्तेदारों को 2,00,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद लोगों के जीवन को सामान्य पर वापस आने में अभी काफी समय लगना जाहिर है। इसी वजह से चुनावों को टाला जा रहा है, लेकिन इसी दौरान चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। प्रधानमंत्री ने सभाएं की हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सभाएं की हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के दौरे पर हैं, पर इनमें से कोई भी नेता राहत शिविर में नहीं गया है। किसी भी नेता ने अपने भाषणों में राज्य के संजीदा हालात का जिक्र नहीं किया है। एनडीआरएफ के अनुसार राज्य के प्रभावित इलाकों को पटरी पर लाने में समय लगेगा, लेकिन चुनाव प्रचार जोरों पर है। साधिका तिवारी, गो न्यूज़।